खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। नरेला विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ चुके महेंद्र सिंह चौहान ने वर्तमान विधायक पर लगाए अवैध निर्माण के आरोप। कहा कि रिहायशी एरिया में सहकारिता मंत्री होने का फायदा उठाते हुए एक शोरूम का निर्माण किया गया, जिसकी नगर निगम द्वारा परमिशन भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए विश्वास सारंग ने अपने पद का भरपूर फायदा उठाया और एक ऐसे एरिया में जहाँ पर सिर्फ अधिकारी रहवासी रहते हैं वहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी करी, क्योंकि सरकार थी तो उन पर किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि हम सरकार से इसकी जांच की मांग करेंगे और इसकी पूरी तरीके से जांच करवाएंगे। जिसके बाद वर्तमान विधायक विश्वास सारंग से मीडिया ने बात की तो विश्वास सारंग बात को टालते हुए कहा कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। केस अदालत में चल रहा है, जो कुछ पूछना है वह महेंद्र सिंह चौहान से पूछा जाएगा। ये विश्वास सारंग का अवैध निर्माण है, जो सालों से लिंक रोड पे खड़ा हुआ कानून व्यवस्था को मुंह दिखा रहा है, अंगूठा दिखा रहा है। नगर निगम की इसमें परमिशन नहीं है निर्माण में, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में की अनुमति इनके पास नहीं है। ये व्यावसायिक भवन जहां बना है इस पूरी कॉलोनी में, इस लिंक रोड में किसी भी व्यावसायिक भवन की अनुमति नहीं है। फिर ये विश्वास सारंग ने अट्टालिका कैसे खड़ा कर दी? हमारा विरोध है, इसके सारे दस्तावेज की जांच होनी चाहिए। निर्माण अवैध है तो तत्काल इसको जो है आना चाहिए, इसको नष्ट करना चाहिए। जो पिछले प्लान में, मास्टर प्लान में जो आवासीय कॉलोनी के उद्देश्य तय किए गए थे, मापदंड तय किए गए थे, उनके अनुरूप अगर ये नहीं है तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सही कदम उठाएंगे, ऐसी मांग हम उनसे करते हैं और हम शीघ्र ही उनसे संबंध में मिलने जाएंगे और निवेदन करेंगे। कांग्रेस कोई एक्शन नजर आएगी इसके लिए? 100% आएगी। अवैध निर्माण है तो कांग्रेस ही एक्शन लेगी। बीजेपी सरकार में ही तो धीरे धीरे ये बढ़ के इतनी बड़ी हो गई। कांग्रेस सरकार में हम लोगों ने तय किया है कि किसी की भी इमारत अगर अवैध है, अगर बिना परमिशन के है, गलत तरीके से बनी है, किसी भी गलत काम को प्रसय न देने का संकल्प लिया है कमलनाथ जी ने। और ये अगर गलत है, जैसी कि मेरी जानकारी में है, ये नगर निगम की परमिशन के बिना बनी है, अवैध निर्माण है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।